2018 में जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई ने मान्यता दी, उसके बाद से ही यहाँ के खिलाड़ियों के लिए सभी दरवाजे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में खुल गए। प्रदेश सचिव क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के महिम वर्मा जी, उनका जो विजन है वो एक बहुत अच्छा विजन है। स्क्रीन टाइम बच्चों का दूर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इमोशनल बैलेंस के लिए खेल बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जरूर आप उत्तराखंड के प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखेंगे। बस हमारा कुछ ही दिनों में पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है और हमारी जो इस बार उत्तराखंड से जो भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे, अंकिता ध्यानी जो एक मिडिल डिस्टेंस रनर है, उनका चयन हुआ है। लक्ष्य सेन, जिस अगर आप किसी भी स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको उत्तराखंड की टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जयसा को तो जानते ही होंगे जो कि बीसीसीआई में सेक्रेटरी पोस्ट पे हैं। तो इसी तरीके से हमारे हर्ष गोयल जी जो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी पद पे हैं और साथ में ये फिजिकल एजुकेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर हैं BLM एकेडमी के। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। ठीक है हर्ष जी, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ पे बात कर रहे थे जो क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो जैसे हमने पहले अगर हम बात करें जिस समय हम लोग आपका पढ़ते थे तो उस समय उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको या तो दिल्ली जाना पड़ता था, या जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम हम देखें, मनीष पांडे का, ये सब बाहर के जो हैं स्टेट से जो खेले हुए हैं। तो अब इसमें जैसे एसोसिएशन बनने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है? पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 2018 में जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई ने मान्यता दी, उसके बाद से ही यहाँ के खिलाड़ियों के लिए सभी दरवाजे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में खुल चुके हैं, क्योंकि अब जो भी प्रदेश की प्रतिभाएं हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और उत्तराखंड में ही उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अब खिलाड़ी हमारे कई अच्छे ले, जैसे आप आकाश मांधवाली है, उत्तराखंड से हैं और अभी मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। ओके, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल में भी यहाँ के बच्चे आने लगे हैं, जैसे पहले था एकता बिस्ट है, मानसी जोशी है, महिला क्रिकेट में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा। अभी हमारी एक बच्ची राघवी बिस्ट वो इंडिया ए टीम में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन उपलब्धियों के लिए जैसे आपने मेरे को बहुत बड़ी उपाधि की दी जय शाह की, लेकिन जो हमारे सचिव हैं, प्रदेश सचिव क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के महिम वर्मा जी, उनका जो विज़न है वो एक बहुत अच्छा विज़न है। वो उत्तराखंड की क्रिकेट को विगत 5 वर्षों में उन्होंने देश के एक मतलब बहुत ऊपर ऊंचाइयों में उन्होंने पहुंचा दिया है। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम बात करें ना, जैसे उत्तराखंड में जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे टैलेंट तो है ही, तो जो आपका ये क्रिकेट एसोसिएशन है बच्चे उससे कैसे जुड़ते हैं, या किस एज में अगर हम बात करें किस एज में आपका जुड़ते हैं बच्चे आपसे? देखिए वैसे तो बच्चे जो हैं हमारे जो कंपटीशन है बीसीसीआई की जो प्रतियोगिताएँ हैं वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर वर्ग में होती हैं। तो जो सही समय है बच्चों का वो 8 से 9 साल में एक बच्चा अगर क्रिकेट शुरू करता है, हालांकि आजकल तो पेरेंट्स बच्चे को 6-6 साल में भी भेज दे रहे हैं, 8 से 9 साल में बच्चा शुरू करता है। और जो बच्चा चाहता है जो क्रिकेट से जुड़ना, हमारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की फेसबुक पेज में के और उसकी वेबसाइट में सारी हमारी जितने भी हमारी कंपटीशंस है उसके बारे में जानकारी रहती है। साथ ही अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई बच्चा जोड़ना चाहे, जैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का फेसबुक पेज वो फॉलो कर सकता है। ऐसे विभिन्न 13 जनपदों के हमारे ऑफिस भी हैं, जनपद कार्यालय भी हैं और हमारे फेसबुक पेज है, वेबसाइट है। ठीक है, चलिए। अब जैसे हम कहें ना, अगर हम जब हम बचपन में पढ़ते तो एक बहुत आपका एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनेंगे खराब। ये तो परिचर्चा ही चेंज हो चुकी है, अब ऐसा है कि खेलों में भी जो कैरियर है वो देखे जा रहे हैं। तो अगर जो हमारे व्यूअर हैं जो इस समय आपका कैरियर बनाने की सोच रहे, जैसे आपने जो है एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil वगैरह आपने सब कुछ किया हुआ है, तो खेलों में कैरियर किस तरीके से बनाएं? आजकल तो आपने खुद ही बता दिया कि ये तो राह नहीं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही कोई कैरियर की ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। खेलों में खिलाड़ी रहते हुए तो उसको कई उपलब्धियां हासिल हो सकती है हर तरीके से, लेकिन उसके अलावा आजकल जो चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें खेलों के लिए बड़ा अच्छा मतलब उसमें जो खेल संपादक है उनके बहुत अच्छा कैरियर है। उसके अलावा हमारे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने अभी, अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं, ठीक है, तो वीडियो एनालिस्ट का बहुत बड़ा स्कोप है, अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा स्कोप है, फिजिकल ट्रेनर का बहुत बड़ा स्कोप है और उसके अलावा पिच क्यूरेटर,
अभी रिसेंटली हमारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने पिच क्यूरेटर का वर्कशॉप कराई थी, जिसमें बीसीसीआई के क्यूरेटर, हेड क्यूरेटर आशीष भौमिक जी आए थे, जिन्होंने पूरे प्रदेश के क्यूरेटर्स को सिखाया यहाँ पे रामनगर में। साथ ही जैसे अभी अब आज कल से हमारी एक जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट की वर्कशॉप शुरू है, उसमें एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु से वहाँ से टीम आ रही है जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन करेगी। ठीक है, तो ये कई कैरियर ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे जो आजकल के जो हमारा, अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इतना बड़ा कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि आपने आईपीएल देखा, आईपीएल तो पूरी पूरे जनता देख रही है, लेकिन हर खेल में, चाहे वो फुटबॉल प्रीमियर लीग हो, चाहे वो किसी भी कबड्डी में हो, किसी भी गेम में, हर गेम में चल रहा है आजकल कैरियर। जैसे आपने पिच क्यूरेटर के लिए कहा, तो इसके लिए कोर्सेज होते हैं या पर्टिकुलर कोई वर्कशॉप होती है, किस तरीके से रहता है, हमको क्या चाहिए, इंटरमीडिएट वाला चाहिए जो आपका पिच क्यूरेटर बनेगा, या फिर कोई ग्रेजुएशन वाला चाहिए? नहीं, देखिए उसमें इंटरमीडिएट वाला भी कर सकता है पिच क्यूरेटर का कोर्स, और ग्रेजुएशन वाला भी कर सकता है, ठीक है। उसमें हाँ, लेकिन बेसिक जानकारी, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बेसिक जानकारी क्रिकेट की होनी चाहिए। ये अगर हम सिर्फ क्रिकेट में अगर क्यूरेटर की बात है, लेकिन अदर गेम में भी, उसमें जैसे आजकल नेचुरल सरफेस है, आर्टिफिशियल सरफेस है, अच्छा, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। तो इसमें भी जो ग्राउंड्समैन है या जो अलग अलग हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, चाहे कोई भी गेम हो, उसमें क्योंकि आजकल टेक्निक इतनी चल गई है, इतनी हमारी तरक्की कर लिया टेक्निक ने, तो किसी भी कैरियर में आप उसको एज ए कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है, तो जैसे हर्ष भाई अभी आप जैसे बीएलएम में हैं, तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट के रुझान से क्या लगता है कि स्टूडेंट का जो मूड है वो किस तरफ को ज़्यादा है, या जो हमारे बच्चे अगर हम कहें कि वो अभी भी जो नॉर्मल नौकरीज हैं उनके पीछे, या नीट और इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में उनको किस तरीके से आना चाहिए? अभी देखिए, अगर मैं सिर्फ अपने विद्यालय की बात करूं बीएलएम की, तो जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं, या कुछ पेरेंट्स भी हैं वो उनको खेल की तरफ, खेलों के लिए उनको बताते हैं और भेजते हैं, और कैरियर के लिए भी हमारे बच्चे अभी दिल्ली डीयू, अभी तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, आपको पता ही है, लेकिन पहले जब कई बच्चे ऐसे हैं बीएलएम से नहीं, पूरे हल्द्वानी से, पूरे उत्तराखंड से, जिनका डीयू में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा अगर मैं बताऊंगा, जैसे आपको था इंटरनेशनल प्लेयर, वो कई इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो ये नहीं है कि जो जितना खेलों में अच्छा होगा वो उतना उसका माइंड उसका शार्प होगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छा होगा। तो ऐसे आप पेरेंट्स तो भेज रहे हैं आजकल, और पेरेंट्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो भी खेलों में कैरियर बनाना चाहता है वो अपने एकेडमिक्स को भी पैरेलली उसको लेके चले, ठीक है, और पेरेंट्स बहुत जल्दी उम्मीद ना करें, और बच्चे को समझाएं कि खेल एक जीने का तरीका है, ठीक है, और सिर्फ उसको एक खिलाड़ी बनने तक उसको सपना को ना पालें, उसको एक जीने का अगर तरीके को ले लिया तो सफल वो वहीं से सफल हो जाएगा अपनी जिंदगी। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, अगर आप चाहे एक सिंपल लाइफस्टाइल है, अगर आप उसमें सिर्फ अगर आप उसमें 20 से 40 मिनट अपने शरीर को देते हैं, आजकल सभी ये बता रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि खेलों के अलावा कोई भी खेल, उसमें कोई आप चाहे वॉकिंग करें, आप रनिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और एक खेल से अगर आप जुड़ लेंगे, और हल्द्वानी में इस टाइम बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ खेल का माहौल चल रहा है, इतनी बैडमिंटन अकेडमीज़ हैं, फुटबॉल अकेडमीज़ हैं, क्रिकेट अकेडमी है, स्विमिंग यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, और अभी तो कई बच्चे हमारे पास आती है इंक्वायरी, क्रिकेट के अलावा भी कई लोग आते हैं कि सर हमें स्केटिंग सीखना है, नए नए गेम अभी, और बहुत अच्छे यहाँ पे जो बच्चे कर रहे हैं, मतलब सारे गेम में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो अगर वो एक जीवन शैली को उसमें लेंगे तो जो एक सोशल डेवलपमेंट जो आजकल जिसकी बहुत कमी है, मोबाइल से बाहर निकल के, ठीक है, बिल्कुल सही, जैसे हम बचपन में थे हम लोग, तो ये स्क्रीन टाइम बच्चों का दूर होना चाहिए, और उस दुनिया से बाहर निकल के जब तक बच्चा सोशल बनेगा, और सबसे बड़ी बात इमोशनल बैलेंस के लिए खेल बहुत जरूरी है, कि अगर जीतना है तो कैसे उस जश्न को मनाना है, और अगर हारे हैं है। तो कैसे उसको समझना है, बिल्कुल, कैसे उसका दोबारा से बाउंस बैक करना है, बाउंस बैक करना है, जीतने के लिए मेहनत करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हम जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स कोसे की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड सरकार ने अभी जो है एक निर्णय लिया है कि जो उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा आपका लगेगा। अभी जैसे आप आपका जो है उदीयमान जो योजना है उसके बारे में बता रहे, थोड़ा सा आप और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड सरकार जो है वो इस क्षेत्र में, अगर हम स्पोर्ट्स की उसमें बात करें, तो क्या क्या जो है यहाँ पे आपका वो कर रही, काम कर रही है? देखिए, अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जो हमारे सरकारी स्टेडियम है उसमें जो पहले आयु सीमा थी 16 वर्ष बच्चों को सीखने के लिए, अब वो आयु सीमा कर दी है 21 वर्ष। तो उससे क्या हुआ कि अगर कोई बड़ा बच्चा कोई भी गेम सीखना चाहेगा तो
तो वो वहाँ पे जाके वो गेम सीख सकता है, ठीक है। साथ ही जो हमारे संविदा में कोचेस थे उनकी सैलरी को भी उन्होंने बढ़ाया है, अच्छा, जो हमारे उत्तराखंड सरकार ने, तो उससे क्या होगा कि एक रुचि बढ़ेगी कोचेस को भी, जहाँ पे अगर रोजगार अभी नहीं है तो थोड़ा मिलेगा। चाहे हम तो चाहेंगे कि सरकार से हमारी ये है आपके चैनल के माध्यम से कि रोजगार जो है वो बढ़ाएं, खेलों के प्रति कोचेस की जो नौकरियाँ वो निकालें, लेकिन जो स्पोर्ट्स कोटे की बात है, क्योंकि ये पहले अभी एक डेढ़ साल पहले हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ा क्योंकि उत्तराखंड में ये योजनाएँ नहीं थी, क्योंकि जो नौकरियों में आरक्षण नहीं था, तो ये एक बार इसका इसके लिए कई बार बातें उठी, लेकिन अब उन्होंने अपने निर्णय को, अभी सरकार ने निर्णय लिया और खेलों में आरक्षण, खेल खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को उन्होंने कर, अच्छा, दिया अभी, ठीक है। ये शायद कहीं वैसा ही तो जैसे हमने पहले जब पढ़ा था या सुना था, जैसे हरभजन सिंह किसी पुलिस में आपका जो है डिप्टी SP शायद कहीं पे हैं, और भी जो आपके क्रिकेटर्स होते हैं या जो बहुत सारे आपके हैं जो अभी पहलवान थे वो भी शायद सरकारी नौकरी कहीं पे करी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी बच्चों के लिए कि खेलों के संग अपने एकेडमिक्स को भी उतना ही ध्यान दे। कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल में तो प्रदर्शन करता है खिलाड़ी, लेकिन एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अगर उसकी पूरी नहीं होती, मिनिमम अर्हता, तो वो उस पोस्ट में नहीं जा पाता है। मान लीजिए अगर खिलाड़ी ने 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ उसको एक हायर पोस्ट नहीं मिल पाती है। तो एटलीस्ट खिलाड़ी ग्रेजुएशन करे, और बहुत आजकल पढ़ाई और खेल दोनों ही बराबर कंपटीशन है दोनों में, तो ऐसा ही जो आप कह रहे हैं ऐसा है, तो उसमें आप खिलाड़ियों के लिए अधिक संभावना है रोजगार की। और जो उदयमान खिलाड़ी वाला आप बोल रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार की एक योजना है, 14 वर्ष तक है, मुख्यमंत्री उदयमान उद्यन योजना, जिसमें प्रत्येक 8 से 9 वर्ष और ऐसे करके 14 वर्ष तक 6 आयु वर्गों में प्रत्येक जिले से लड़कियां और लड़कों का चयन होता है, जिसमें फिजिकल बैटरी टेस्ट होता है, और उसमें 1500 रुपये प्रति माह वो देते हैं, और 14 वर्ष से ऊपर प्रत्येक गेम के अकॉर्डिंग, हर एक गेम का है और फिजिकल टेस्ट है और गेम का स्किल टेस्ट है, उसमें वो 2000 रुपये प्रतिमाह देते हैं, अच्छा। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की रुचि खेलों की तरफ बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया हर्ष भाई। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपने सरकार से जो भी यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट रखी है सरकार को पूरा करे, ऐसे ही हम विश करते हैं। अब थोड़ा सा हर्ष भाई हम यहाँ पे ना पर्टिकुलर क्रिकेट के ऊपर ही चलते हैं, तो अगर हम जैसे अभी इंडिया ने जो है आपका T20 जो वर्ल्ड कप आपका जीता हुआ है, तो उस बारे में उस समय आप मैच देख रहे होंगे जरूर, तो उस समय आपका सेलिब्रेशन मूड क्या था? बहुत सभी को पूरी उम्मीद थी कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, और हमें भी उम्मीद थी, और हम लोग साथ ही देख रहे थे, कुछ मेरे मित्र थे, हम लोग साथ देख रहे थे, और सेलिब्रेशन हमने बहुत अच्छा करा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद थी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे वनडे में हमारा थोड़ा हार्ड लक रहा था, जबकि प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा था, हार्ड लक रहा था, और इस बार हमारे खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, और उसका रिजल्ट पूरे हमारी जनता को, भारतवासियों को उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी देके उन्होंने तोहफा दिया। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे हमारे जो कोच हैं वो भी आपका चेंज हुए हैं, गौतम गंभीर का जो है पहला आपका जो है सीरीज यहाँ पे है, तो उस बारे में आप थोड़ा सा गौतम गंभीर के बारे में या राहुल द्रविड़ के बारे में थोड़ा सा आप कंपैरिजन करना चाहेंगे? देखिए ये तो कंपैरिजन तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दोनों का अपना अपना एक अलग तरीका है। राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छा इंडियन क्रिकेट टीम को संभाला, और रिजल्ट सबने देखे, और हमारा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारतीय दर्शक बहुत जल्दी किसी चीज़ को एनालिसिस करने लगते हैं, जबकि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो बहुत त्याग के, बहुत समर्पण के बाद वहाँ तक पहुँचे, तो हम लोग उनमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता सकते। हाँ, हालांकि कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि गौतम गंभीर के अपने निर्णय अलग होते हैं, उनका थोड़ा एग्रेशन बोलते हैं, लेकिन उस जगह पर जाके, उस लेवल में जाके वो किस प्रकार टीम को अब आगे बढ़ाएंगे, और जो राहुल द्रविड़, लेकिन राहुल द्रविड़ के लिए एकदम उनकी कोई एग्रेसिव इमेज नहीं है, तो कुछ चेंजेस तो आ सकते हैं, कुछ युवाओं को मौका मिल सकता है। अच्छा ठीक है जी। तो उत्तराखंड से आप किस युवाओं को देख रहे हैं जो बहुत जल्दी आपका, जैसे ऋषभ पंत है वो तो शायद एक परमानेंट प्लेस बनाई जाएंगे अपनी? हाँ, ये कुछ खिलाड़ी तो हमारे, ऋषभ पंत है, अभी मैं बताना चाहूंगा, अनुज रावत हैं जो दिल्ली से खेल रहे हैं, रामनगर के, लेकिन अगर हम उत्तराखंड टीम की बात करें, मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूंगा दर्शकों को, जो ये उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को जो मान्यता मिली है, वो हमारे जो उत्तराखंड के क्रिकेट के भीष्मतामा हैं, शायद दर्शक बहुत कम जानते होंगे, श्री PC वर्मा जी, जिसमें PC वर्मा जी का इतना उसमें संघर्ष रहा इस एसोसिएशन को दिलाने में, तो उनकी बदौलत ये एसोसिएशन हमें मिली है आज, और उत्तराखंड के खिलाड़ी 2018 वर्षों के बाद
2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ और 18 वर्षों के बाद ये मान्यता हमें मिली। तो और उसके बाद जो सेक्रेटरी बने हमारे बड़े भाई श्री माहिम वर्मा जी, उनके विज़न से उत्तराखंड की टीम 2 बार अंडर 19 गर्ल्स टीम, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि हमारी ये कमी है कि हम मार्केटिंग नहीं करते, मार्केटिंग नहीं, हम लोगों की ये कमी है इंडियन की कि हम मेंस टीम को तो फॉलो कर रहे हैं, वुमेन्स टीम को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अंडर 19 गर्ल्स टीम 2 बार BCCI चैंपियन बन चुकी है उत्तराखंड की। अच्छा, हाँ, और हमारी सीनियर टीम रनर अप रही है और हमारी एक बार हमारी रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड की सीनियर टीम ने क्वार्टर फाइनल खेला है। अच्छा, जिसमें वो मुंबई से हारी। अच्छा, तो मुंबई से हार नहीं बहुत अलग बात है, जो सबसे ज्यादा बार रणजी जीती है, अभी तो 6 साल, हाँ, 6 साल बने हैं। और अब हम खिलाड़ी की बात करते हैं तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया राघवी बिस्ट उत्तराखंड की, जो अभी अभी उसका सिलेक्शन हुआ है इंडियन ए टीम के लिए, और अभी हमारे कई बच्चे उत्तराखंड के नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु में कैंप कर रहे हैं, जिसमें से हल्द्वानी के ही आदित्य रावत और नैनीताल जिले के लक्ष्य राय चंदानी जो अंडर 19 इमर्जिंग प्लेयर कैंप में है। अच्छा, साथ में बागेश्वर के देवेंद्र बोरा, ओके, वो भी सीनियर इमर्जिंग कैंप में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, आने वाले समय में जरूर आप उत्तराखंड के प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखेंगे। जी। और इस जगह मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुमाऊँ क्षेत्र में श्री दीपक मेहरा जी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, उन्होंने एक टीम ऐसी जोड़ी जो जैसे हम लोग हैं और उसके साथ में खिलाड़ियों को उनका इतना सपोर्ट रहता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और बच्चों को बताया कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो हर्ष भाई, जैसे अभी आप यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमको जो है ये 18 साल का जो है ये टाइम आपका लग गया, और आप कह रहे हैं ये बहुत संघर्षों का दौर है, मैं भी मानता हूँ कि 18 साल बहुत एक लंबा टाइम होता है, तो आप थोड़ा सा उन संघर्षों के बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो संघर्ष रहा उत्तराखंड में क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जो संघर्ष करा, वो हमारे जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में जो हमारे पूर्व सचिव थे श्री PC वर्मा जी, जिन्हें क्रिकेट का भीष्मपितामह कहा जाता है, उन्होंने बहुत संघर्ष करा इस एसोसिएशन के लिए। और विगत कई वर्षों से, अभी हमने अपना 74वां गोल्ड कप करवाया था देहरादून। अच्छा, में ठीक है, जो बहुत एक बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें देश भर से टीमें आती हैं, तो उन्हीं प्रतियोगिताओं के कारण, उन्हीं संघर्ष के कारण हमें मान्यता मिली। तो इसमें क्योंकि BCCI के बहुत नॉर्म्स हैं और उत्तराखंड एक बहुत भौगोलिक स्थिति, इसकी परिस्थिति विपरीत है, लेकिन PC वर्मा जी ने जो एक सपना देखा था उसको उन्होंने उत्तराखंड के बच्चों के लिए सजोया और उनको मान्यता दिलाई। और मैं साथ में कहूँगा कि यहाँ पे जो अभी उनके हमारे जो सचिव हैं श्री महिम वर्मा जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्रिकेट उनके उनका जो विज़न है उसके कारण जो क्रिकेट है उत्तराखंड की क्रिकेट है वो बहुत जल्दी 6 वर्षों में ही वो भारतीय क्रिकेट में एक बहुत ऊंचा नाम हो गया है। साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महिम वर्मा जी जो हैं वो पूर्व में BCCI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत कम रहा, लेकिन उस कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर उनके जो उनसे जो हमारे सहयोग मिलता है उस कारण हमें BCCI का बहुत अच्छा मिलता है। और कुमाऊँ में मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगा श्री दीपक मेहरा जी का, हालांकि पूरे उत्तराखंड में लोग उनको जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष करा इस एसोसिएशन में PC वर्मा जी के साथ, और ये हमें एसोसिएशन मिली कुमाऊँ में, उन्होंने टीम को जोड़ के रखा, सारे जिलों में मान्यता दिलाई। तो ये बहुत संघर्ष की लंबी कहानी है। हर्षी, जैसे अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ओलंपिक के बारे में, अभी जैसे पेरिस में आपका फ्रांस पेरिस में जो है प्रस्तावित है, और इससे पहले अगर हम बात करें मनोज सरकार हो गए या आपकी जो वंदना कटारिया है, उन्होंने जो है उत्तराखंड को, या उत्तराखंड नहीं भारत को जो है पदक आपका दिलाया है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे उत्तराखंड में किस तरीके की तैयारी हुई है, उत्तराखंड से कौन कौन जो खिलाड़ी हैं वो अभी आपका ओलंपिक में जो प्रतिभाग कर रहे हैं। बस हमारा कुछ ही दिनों में पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है, और हमारी जो इस बार उत्तराखंड से जो भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे अंकिता ध्यानी, जो एक मिडिल डिस्टेंस रनर है, उनका चयन हुआ है। लक्ष्य सेन, जिसको सभी हमारे दर्शक शायद जानते ही हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में लक्ष्य सेन ने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हमेशा अपना लोहा मनवाया है, तो उनसे हमारी उम्मीद है। साथ में हमारे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सपोर्ट स्टाफ में, अच्छा, जो है तो मयंक गड़िया है हमारे, वो विनेश फोगाट के ट्रेनर के रूप में वहाँ जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये भी जो हम कैरियर की भी बात कर रहे थे वो पूर्व में हमारे हल्द्वानी में ही क्रिकेट जो हमारे यहाँ एकेडमीज हैं उसमें खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते थे। बेसिकली वो बागेश्वर से हैं। तो ये उत्तराखंड की उपलब्धियों में ही मैं इसको भी मानूंगा। मयंक का भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, साथ ही अंकिता ध्यानी जो है उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं पदक की। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी देखिए, अगर हम मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं कभी भी आप उनका अगर ओलंपिक टैली देखेंगे उनके मेडल हमेशा ऊपर रहेंगे, बहुत ऊपर रहते हैं। तो अगर भारत भी अब उसी श्रेणी में आने लगा है तो अब ये विकासशील से विकसित राष्ट्र की जो श्रेणी है वो अगर आप खेलों की प्रतियोगिताएं देखेंगे उसमें निर्भर करता है। क्योंकि अगर जहाँ पे जो किसी भी देश की जनता अगर फिट होगी तो वो देश अपने आप में आत्मनिर्भर होगा और विकसित होगा। तो अर्षभ, जैसे जो अभी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एज ए आप फिजिकल कोच कहें या सेक्रेटरी हम आपके कहें, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें क्रिकेट के ही खेल में, क्रिकेट में ही जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरा देश क्रिकेट को फॉलो कर रहा है और इंडिया में तो क्रिकेट को अब पूजा जा रहा है एक तरीके से, और सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो मैं खिलाड़ियों से यही एक संदेश दूंगा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और खेल को जिएं। और साथ ही खिलाड़ियों के जो हमारे पेरेंट्स हैं अभिभावक, उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्दी रिजल्ट की अपेक्षा ना करें। एक ये प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और हर एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बन सकता है, लेकिन जो बच्चा है अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से, जिले के साथ साथ मैं उत्तराखंड की तरफ से एक आपको सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यहाँ परफॉर्म कर रही है सभी टीमें। अगर आप किसी भी स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको उत्तराखंड की टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर लोगों को कांटेक्ट करना है, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि जो आपका फेसबुक पेज है या उसमें जो है उनके कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो भी न्यूज़ वगैरह आती हुई आप वहाँ पर जो है अपडेट करते रहते हैं। जी, हमारे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का फेसबुक पेज है, उसमें हमारी सारी जितने भी हमारी प्रतियोगिता होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, वो अपडेट होते हैं। इसी प्रकार सारे जिले के भी हमारे फेसबुक पेज है। अच्छा। उसमें बच्चे या कोई भी पेरेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई, हम आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं और साथ में जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है उसके भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की जो भारत की जो टीम है उसमें उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आपके दिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी।